जय माता दी। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही दुर्लभ प्रश्न है और बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है। यानी अगर आपने जो थंबनेल देखा है उसमें क्लिक किया है, तो यानी आपके भी सपने में कुमारी पूजन यानी नवरात्र में जो कंजके पूजे जाते हैं, यानी जो कन्या पूजन होती है नवरात्रि में, अगर उन कन्याओं के दर्शन आपको सपने में अगर हुए हैं, यानी आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त हो चुकी है और सारी भी शक्तियाँ आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विश्वास माता रानी से अटूट है। इस कारणवश आपके सपने में कुमारी पूजन यानी स्वयं माता रानी आपको दर्शन दी हैं। ये बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कुमारी पूजन देखे गए सपने केवल आदिशक्ति के भक्त ही देख सकते हैं। किसी नास्तिक मनुष्य का देखना ये स्वप्न कदापि संभव नहीं है। ये स्वप्न मात्र वही लोग देख सकते हैं जो महाशक्ति महा आदि शक्ति की आराधना करते हो, चाहे शक्ति रूप में किसी भी देवी की आराधना करते हो, उन्हीं को इस कन्या पूजन के स्वप्न देखने का अवसर प्राप्त होता है। और अगर आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है तो धन्य हो आपका जीवन, धन्य हो आपकी आत्मा, धन्य हो आपका ये शरीर और मन। और चलिए बिना देरी किए गए शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूँ, ताकि आपके मन में ऐसा ना हो कि मैं मनगढ़ंत बात आपसे बता दूं और आपको इस चीज़ का विश्वास ना हो। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों में जो लिखित है मैं उसे बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखित है कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन का स्वप्न दुर्लभ है, यदि देख लिया तो जीवन धन्य हो गया। देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद से जीवन धन्य धाम से भरपूर होकर रहेगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें लिखित है कुमारी पूजन का स्वप्न दुर्लभ स्वप्न है, यदि किसी व्यक्ति ने देख लिया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद से जीवन धन धाम से भरपूर होकर रहेगा। मैंने कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है कि देवी माँ की कृपा से आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण होकर रहेगा। होकर रहने का मतलब 110% गारंटी है कि होकर रहेगा। अगर संभावना लिखी रहती तो बात दूसरी होती, लेकिन इसमें लिखी थी कि होकर ही रहेगा। तो बहुत ही शुभ स्वप्न है, शुभ संकेत है, माता रानी की असीम अनुकंपा आपके साथ है जो आपने ये स्वप्न देखा है। रही बात इस सपने का फल कब प्राप्त होगा, तो ये देखिए, ये माता रानी के द्वारा दिखाए गए स्वप्न है, यानी दुर्लभ यानी रहस्यमयी सपनों में से एक है। तो आदि शक्ति हैं, समय आने पर आपके हर सपने हर इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात बताने के लिए आपको ये है कि हर समय देखे गए सपने पूरे नहीं होते, और कितने बजे के देखे गए सपने पूरे होते हैं इसका भी शास्त्रों में लिखित प्रमाण है, उसे जानना अति आवश्यक है। अगर वीडियो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं, तो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो अगर आपने छोड़ दिया तो आप जीवन में बहुत बड़ी गलती कर देंगे सपनों की दुनिया के बारे में। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। स्वप्न संहिता इस शास्त्र यानी पुस्तक का नाम है। इसमें साफ साफ लिखित है कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कुछ फल नहीं होता है, वो निष्फल होता है। और आप कहेंगे कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर का समय बताइए, तो रात्रि का प्रथम पहर का समय है 6:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक, और 9:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक का पहर द्वितीय पहर है वो। यानी 6:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक के बीच में अगर आप देखे गए सपने का कोई फल नहीं होता, वो निष्फल होते हैं। इस बीच आपने कोई भी स्वप्न देखे, अच्छे स्वप्न देखे, गलत स्वप्न देखे, डरावने स्वप्न देखे, इसका कोई अर्थ नहीं है, वो निष्फल है। और रही बात कितने बजे देखे गए सपनों का फल मिलता है, सबसे बड़ी बात, तो इसमें लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए सपनों का फल प्राप्त होता है। तो रात्रि के अंतिम पहर का समय है 3:00 बजे से लेके 6:00 बजे के बीच में देखे गए सपनों का फल प्राप्त होता है, वही सपन प्राय पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो और भी आवश्यक है। इसमें लिखित है कि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार मनुष्य के खान पान पर सपनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य मांस मछली मदिरा आदि का सेवन करके स्वप्न देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सारे सपने निष्फल होते हैं, व्यर्थ होते हैं, उसका कोई भी फल नहीं होता है। आप किसी भी तरीके के सपने देखे, साक्षात ब्रह्मा आपके सामने आ जाए,
साक्षात भगवती आपके सामने आ जाए, साक्षात शिव आपके सामने आ जाए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सब निष्फल है। तो आखिर ऐसा क्या भोजन करें? तो इसमें लिखित है कि हल्का सात्विक निरामिष भोजन करने वाले व्यक्ति के सपने ही प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। उन्हीं मनुष्य के स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं, अन्यथा और सारे मनुष्य के सपने पूरे नहीं होते हैं। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित है। हल्का सात्विक का मतलब मैं आप सभी को समझा दूं, यानी आप शाकाहारी रहते हुए लहसुन प्याज आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दें, लेकिन इसमें हल्का सात्विक लिखा हुआ, यानी आप सात्विक यानी शाकाहारी भोजन करें, मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। बाकी आपकी इच्छा, आपका जीवन, मेरा काम है कहना। वीडियो अंत करने से पहले कुछ और दो लाइन की जानकारी है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, तो एक मिनट समय निकाल के इसे भी अवश्य सुन लें कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा टूटने के बाद स्वप्न याद नहीं रहते और कुछ की स्मृति निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती है। इसमें ऐसा लिखित है कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि स्वप्न नहीं होता है, नहीं दिखते हैं, पता नहीं तुम लोग कैसे बोलते हो कि सपने देखते हैं, हम इतने साल इतने बड़े हो गए आज तक तो कोई स्वप्न आया ही नहीं। तो ये गलत बात है। इसमें लिखित है कि कुछ की स्मृति निद्रा टूटने के बाद लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी मनुष्य जब सोता है तो स्वप्न देखता है, भली भांति देखता है, लेकिन स्मृति का तात्पर्य है याददाश्त। किसी की याददाश्त कमजोर होने के कारण वो उठते ही जो है वो सपने भूल जाते हैं, यानी उनके दिमाग से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उठने के बाद अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है कि आज आपने क्या सपने देखा, तो उनका जवाब यही रहता है कि मैंने कोई सपने देखा, स्वप्न नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हर मनुष्य स्वप्न देखता ही देखता है, याद नहीं रहती वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वप्न मनुष्य नहीं देखता है, स्वप्न हर मनुष्य देखते हैं। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। जय माता दी।